मंडी स्थित आईटीआई में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए गए। जिला स्तरीय युवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में AC2DC अमर नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नेहरू युवा केंद्र मंडी की समन्वयक ईरा प्रभात ने मुख्य अतिथि को टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि अमर नेगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र मंडी की समन्वयक ईरा प्रभात ने कहा कि देश भर के 622 जिलों में महान विभूति स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रेट नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ईरा प्रभात ने कहा कि 12 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक युवाओं के विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विश्व भर में किया और आज के युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं युवा प्रतिभागियों ने जिला स्तरीय युवा दिवस में स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला व उनके जीवन प्रेरणा पाकर उनके आदर्श मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में 12 जनवरी से 19 जनवरी तक विशेष रूप से मनाया जाता है और इन पूरे 7 दिन समर्पित है युवाओं की विभिन्न गतिविधियों के लिए और नेहरू युवा केंद्र के समस्त देश के पूरे 622 जिलों में हम इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेटर नोएडा में आज नेशनल यूथ फेस्टिवल का आगाज प्रधानमंत्री के हाथों हो रहा है और 12 जनवरी को भी क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है विशेष रूप से युवाओं के लिए हम कई तरह की गतिविधियों का एक तरह से आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं उस विभूति को स्मरण करते हुए प्रणाम करना चाहूंगी जिन्होंने भारतवर्ष की संस्कृति को भारतवर्ष के इतिहास को और भारतवर्ष के भविष्य के लिए जिन्होंने पूरे विश्व में एक संदेश दिया और इस देश का नाम उन्नति के ऊपर और सुनहरे अक्षरों में लिखने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान विवेकानंद जी का रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य का सर्वांगीण विकास उसके शारीरिक भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास से है। शिक्षा के इन तीन आयोगों में जिसके ज्ञान से मनुष्य स्वयं को जानने का अधिकारी बनता है इस तेजस्वी महापुरुष ने इस ज्ञान को जानने का अधिकारी बनाया। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उन्होंने यह अनुभव